फाइनली वेट इज ओवर एंड आज के स्निक पिक 3 वीडियो के अंदर मैं रिवील करने वाला हूँ ब्रांड न्यू हीरो मिनियन प्रिंस न्यू बिल्डिंग हीरो होल, जहाँ पर आप लोग अपने सभी हीरो को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। हीरो को स्विच करने का न्यू फीचर ऐड हो चुका है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले। भाई टाउन हॉल 17 पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने की मिलेगी, आप लोग कुछ नहीं करना है भाई, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना सभी क्लास कंटेंट को मिस ना करने के लिए। Clash of Clans के अंदर ऐड हो चुका है ब्रांड न्यू हीरो जिसका नेम है मिनियन प्रिंस, जो भाई अपने गेम के अंदर जो क्रेचर घूम रहा था ना, मिस्टेरियस क्रेचर जो कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो के अंदर बताया था, भाई वो अपना मिनियन प्रिंस ही था। फाइनली मैंने उसको आज रिवील कर दिया एंड एक और चीज हमें देखने के लिए मिल चुकी हीरो होल, जो भाई अल्टार का जो सीन था ना अपने हीरो के साथ में वो परमानेंटली रिमूव हो चुका है, अब अपने को वहाँ पे हीरो होल देखने के लिए मिल चुका है। ये कैसे वर्क करेगा ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड जो अपना जो भाई हीरो का जो बैकग्राउंड है ना, जो विजुअल है उसको भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो भाई जो हीरो होल है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ से आप लोग अपने हीरो को यहाँ पे भाई मैनेज कर सकते हो एंड यहाँ से भाई आप लोग को डिफेंडिंग हीरोज आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आप लोग को यहाँ पे न्यू फ्लैग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे अपने सभी हीरोज के, जो अल्टार थे उनको यहाँ पे हटा दिया गया है, ये कुछ आप लोग को सिंबल देखने को मिलेगा। आप लोग अपने हीरोज को इसी के थ्रू अपडेट कर सकते हो। हीरो को स्विच करने का फीचर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि आप लोग को टाउन हॉल लेवल 13 के बाद मिलने वाला है, क्योंकि भाई टाउन हॉल 13 पे हमें रॉयल चैंपियन मिलेगा, तभी तो हम लोग के पास में 5 हीरो टोटल यहाँ पे होंगे ना, तो उसके बाद आप लोग अपने हीरो को स्विच कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे भाई चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे अपनी एबिलिटी वगैरह इनको भी मैं यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ एंड इस मिनियन प्रिंस का 2 न्यू इक्विपमेंट आने वाले हैं जिनको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी वाले वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। मतलब गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ से आप लोग अपने ऑफेंसिव हीरो को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जिनको आप लोग को अटैक के लिए यूज करना है। जैसा भाई हम लोग पेट के अंदर, जैसा कि भाई आप लोग बता जितने अपने पेट है उनके अंदर से हम लोग सिर्फ 4 ही पेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से अपने हीरो को भी सिलेक्ट कर सकते हो किनको आप लोग को भाई अटैक के लिए यहाँ पे यूज करना है। तो हीरो होल का फीचर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। अपना जो न्यू हीरो है मिनियन प्रिंस, इसके 2 न्यू इक्विपमेंट आने वाले हैं जो कि भाई कॉमन इक्विपमेंट होने वाले हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इक्विपमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप लोग भाई यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये अपने 2 इक्विपमेंट आप लोग देखने को मिलेंगे, पहले का नेम है भाई यहाँ पर हैंचमैन पपेट करके, उसके बाद में सेकंड डार्क और आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई ये 2 न्यू कॉमन इक्विपमेंट होने वाले अपने यहाँ पे मिनियन प्रिंस के एंड जैसा पेट हाउस के अंदर भाई सिस्टम है वैसा आप लोग यहाँ पर भी अपने हीरोज को अपग्रेड कर सकते हो। आप लोग भाई एक साथ में चाहो तो अपने 5 हीरो को अपग्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एक टाइम में आप लोग एक ही यहाँ पे पेट को अपग्रेड कर सकते हो, जैसा पेट के अंदर होता ना भाई जो अपना यहाँ पे पेट हाउस है वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही पेट को अपग्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग भाई 5 हीरो को एक साथ में अपग्रेड कर सकते हो। हीरो होल का कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ क्राइटेरिया जो कि आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हीरो होल को अनलॉक करने के लिए आप लोग का टाउन हॉल लेवल 7 या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। ये एक बिल्डिंग है भाई जैसा कि आप लोग पता है, जैसे आप लोग उसको अनलॉक करते हो आप लोग का किंग भाई यहाँ पर इंस्टेंटली यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। क्वीन को अनलॉक करने के लिए आप लोग को यहाँ पे भाई इसको लेवल 2 का अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड अपना मिनियन प्रिंस को अनलॉक करने के लिए लेवल 3 का, वार्डन को अनलॉक करने के लिए लेवल 5 का एंड आरसी को अनलॉक करने के लिए लेवल 7 का आप लोग को अपने बिल्डर सॉरी हीरो होल को यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा। चलो भाई सिंपल से हम लोग इसको लेवल 2 का अपग्रेड करते, जैसे गाइस हम लोग इसको लेवल 2 का अपग्रेड कर देते, इसको फिनिश करते भाई जेम्स के साथ में 383 जेम्स लग रहा है। ओके गाइस सो लेट्स गो, चलते भाई लेवल 2 के लिए 383 जेम्स हमें देना पड़ेगा इसको इंस्टेंटली फिनिश करने के लिए। 1 2 3 बॉम, ये लो भाई साहब फाइनली अपना क्वीन यहाँ पे अनलॉक हो चुका है लेवल 2 का अपग्रेड होने के बाद में। आप लोग अपने हीरो स्लॉट्स की जो अवेलेबल है भाई उसको यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो इस हीरो होल को अपग्रेड करने के बाद में एंड आप लोग अपने हीरो को भी भाई यहीं से अनलॉक कर सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कुछ लेवल्स का एंड उसके बाद गाइस आप लोग अपने क्वीन को भी इसी के अंदर से यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। जैसा कि भाई आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मैंने अपनी क्वीन को यहाँ पर अपग्रेड पर डाल दिया। आप लोग एक टाइम में भाई अपने मल्टीपल हीरोज को भी अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन इनके लिए आप लोग को बिल्डर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऐसा नहीं कि भाई पेट हाउस के अंदर आप लोग का फ्री में यहाँ पे अपग्रेड हो जाता है, तो यहाँ पर आप लोग को बिल्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास 5 बिल्डर है तो आप लोग 5 को एक साथ अपग्रेड डाल सकते हो। लेवल 3 का भी हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग को मिनियन प्रिंस देखने को मिलेगा। ऑल राइट भाई साहब, अपना मिनियन प्रिंस को भी हमें यहाँ पे अनलॉक करना है, तो चलो लेवल 3 का हम लोग इसको सिंपल से अपग्रेड करते हैं गाइस। तो सिंपल से हम लोग भाई अपने यहाँ पे हीरो होल को लेवल 3 का अपग्रेड करते हैं ताकि हम लोग का मिनियन प्रिंस भी यहाँ पे अनलॉक हो जाए, उसका भी हम लोग यहाँ पे लेवल अप कर सके। 1 2 3 बॉम, ये लो भाई फाइनली हमने इसको यहाँ पे अपग्रेड कर दिया। 4 दिन का वेट करना पड़ेगा भाई लेवल यहाँ पे कंप्लीट होने में, तो हम लोग भाई यहाँ पे जेम्स उड़ाने वाले, उसके साथ में इसको हम लोग सिंपल सा फिनिश करेंगे। ऑल राइट भाई साहब, सिंपल सा 629 जेम्स। 1 2 3 बॉम, ये लो भाई साहब फाइनली अपना मिनियन प्रिंस यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। आप लोग की जो हीरो की मैक्सिमम लिमिट है ना वो डिपेंड करेगी हीरो होल के लेवल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग टाउन हॉल 7 पे हो तो आप लोग का हीरो होल लेवल 1 का होगा, टाउन हॉल 8 पे लेवल 2 का आप लोग अपग्रेड कर सकते हो, टाउन हॉल 17 पे आप लोग लेवल 11 का इसको मैक्स आउट कर सकते हो एंड टाउन हॉल 17 पे भाई मैक्स आउट होने के बाद में आप लोग के पास में 4 हीरो की स्लॉट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। एंड जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि लेवल 1 पे आप लोग बारबेरियन किंग अनलॉक हो जाएगा, लेवल
5 पे आप लोग का ग्रैंड वार्डन अनलॉक हो जाएगा, लेवल 7 पे आप लोग का रॉयल चैंपियन यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा, एंड लेवल 3 के ऊपर अपना मिनियन प्रिंस भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी जो हीरो की जो मैक्स लेवल है वो आप लोग भाई यहाँ पे रीड कर सकते हो। लेवल 1 का हीरो होल है तो आप लोग सिर्फ वाइब्रेंट किंग को लेवल 10 का अपग्रेड कर सकते हो। लेवल 11 का हीरो होल होने के बाद में जो कि लेवल 17 पे होगा, उसके बाद आप लोग अपने सभी हीरोज को यहाँ पे मैक्स कर सकते हो। भाई सभी हम लोग सिंपल से भाई अपने हीरो होल को यहाँ पर और इसके लेवल अप यहाँ पे करते ताकि अपना रॉयल चैंपियन भी यहाँ पे अनलॉक हो सके। उसके बाद गाइस मैं आप लोग को अपग्रेड करके भी दिखाने वाला हूँ अपने सभी के सभी हीरो को एक साथ में, जो कि भाई और भी कुछ डिटेल्स एक्सप्लेन है जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा अभी सिंपल सा। एंड चलो भाई इसको हम लोग सिंपल सा और भाई यहाँ पे लेवल इसकी अपग्रेड करते हैं। अभी कितने लेवल का भाई सिंपल सा क्लिक करते हैं इसके ऊपर। अभी लेवल 5 का अपना हीरो होल, इसको हम लोग लेवल 6 का अपग्रेड करते हैं, जिसके लिए भाई 7 दिन लगेगा। लेकिन भाई वेट कौन करेगा, हम लोग सिंपल सा भाई यहाँ पे जेम साथ में इसको फिनिश करते हैं। ओके भाई सिंपल सा हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। हम लोग सिंपल सा अपने यहाँ पे हीरो होल को लेवल 7 का यहाँ पे अपग्रेड करते हैं, जिसके बाद भाई सब अपना रॉयल चैंपियन भी अनलॉक हो जाएगा हीरो होल के अंदर। ऑलराइट भाई सिंपल सा हमने इसको अपग्रेड कर दिया, 8 दिन का वेट करेगा भाई साहब। लेकिन आप लोगों को बताइए भाई जेम्स के हमारे पास में कमी है नहीं, 50,000 जेम्स पड़े हुए, उड़ाते भाई सिंपल सा 1 2 3 पॉम। ये लो भाई साहब यहाँ पे फाइनली अपने सारे के सारे हीरो यहाँ पे अनलॉक हो चुके हीरो होल के अंदर। आप लोग अपने हीरो के बैनर को अनलॉक कर सकते हो, जैसे कि भाई पहले अपने हीरो के अल्टार हुआ करते थे, अब वो रिप्लेस हो चुके हैं यहाँ पे फ्लैग के साथ में, जो कि आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सिंपल सा गाइस मैं प्लेस यहाँ पे प्लेस हीरो बैनर के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड इसको गाइस मैं कहीं पर भी यहाँ पे रख सकता हूँ, जिससे अपना हीरो भाई यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। या आप लोग को सभी हीरो के ऊपर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि भाई आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये 2x2 की यहाँ पे बिल्डिंग है भाई, जो अपने हीरो के अल्टार भाई बोलो आप लोग, फ्लैग मुझे नाम थोड़ा अच्छा नहीं लगा, आप लोग इनको अल्टार ही बोलो भाई। ओके उसके बाद गाइस आप लोग को और भी हीरो की यहाँ पे लेवल अप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई आप लोग सिर्फ लेवल 7 पर यहाँ पे स्टॉप कर जाओ, क्योंकि आप लोग के सारे हीरो यहाँ पे अनलॉक हो चुके। अगर आप लोग को हीरो को भाई मैक्स आउट करना है, उनकी लेवल अप यहाँ पे अपग्रेड करना है, तो आप लोग को हीरो होल की लेवल को भी यहाँ पे मैक्स करना पड़ेगा। तो भाई इस पर आप लोग थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। मैं लेवल 9 का इसको अपग्रेड करता हूँ सिंपल सा, फिनिश भी करता हूँ भाई। ऑल राइट इसको फटाफट हम लोग मैक्स करते हैं, ताकि हम लोग अपने जो हीरो की जो लेवल्स है उनको भी भाई यहाँ पे अपग्रेड कर सके। ऑल राइट यहाँ पे वापस से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ भाई, कितने लेवल का हो चुका, लेवल 9 का हो चुका। लेवल 10 का हमने सिंपल से इसको यहाँ पे अपग्रेड कर दिया। फिनिश करते भाई अगेन जेम्स के साथ में, एंड इसको हम लोग मैक्स आउट भी करेंगे भाई आज के इसी वाले वीडियो के अंदर। लेवल 10 का कंप्लीट हो चुका है, इसको हम लोग सिंपल से भाई लेवल 11 का यानी कि इसको मैक्स कर देते। ऑल राइट भाई साहब ये रहा अपना हीरो होल, 1 2 3 बॉम्ब। ये लो फाइनली हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, एंड 1 2 3 बॉम्ब। ये लो भाई साहब फाइनली अपना हीरो होल यहाँ पे मैक्स आउट हो चुका है। अभी आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हम लोग अपने हीरो होल के अंदर कैसे हीरो को अपग्रेड कर सकते हैं, कितने हीरो को एक साथ अपग्रेड कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने किंग को अपग्रेड करेंगे भाई, जो कि आप लोग देख सकते हो लेवल 12 का हम लोग इसको अपग्रेड करने वाले। ऑलराइट भाई अपना किंग यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है। उसके बाद भाई उसकी वाइफ कहाँ गई, नहीं पहले वाइफ को नहीं करेंगे, उससे पहले हम लोग किंग के ऊपर यहाँ पे बिल्डर अप्रेंटिस को यहाँ पे लगा देते, ताकि भाई अपना किंग यहाँ पे और भी ज़्यादा फास्ट हो जाए, वो जल्दी जल्दी यहाँ पे अपग्रेड हो सके। तो यस गाइस आप लोग अपने बिल्डर अप्रेंटिस को यहाँ पे हीरो होल के अंदर यानी कि अपने हीरोज के अंदर भी इनको ईजिली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गाइस अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अपने हीरो को यहाँ पे बुक के साथ में फिनिश भी कर सकते हो। आप लोग को बुक का ऑप्शन भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जो भी आप लोग के हीरोस अपग्रेड पे चलेंगे उसी हीरो के सामने आप लोग को जस्ट यहाँ पे बुक का सिंबल देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी गाइस आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो भाई, यहाँ पे लगभग 1 दिन बाद अपना किंग यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा, एंड उसी के साथ में आप लोग अपने हीरो को यहाँ पे स्विच कर सकते हो, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चाहो तो आप लोग अपने किंग को यहाँ पे इस हीरो होल के अंदर बिठा सकते हो, बाकी जो बाकी का जो हीरो है उनको आप लोग यहाँ पे बाहर लेके आ सकते हो। मैं आप लोग को लाइव दिखाता हूँ भाई, इसे समझ नहीं आएगा। सिंपल से मैं यहाँ पे किंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये स्विच का आप लोग ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं अपने मिनियन प्रिंस को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखो भाई सब अपने किंग यहाँ पर हीरो होल के अंदर अपग्रेड हो रहा है भाई, क्योंकि वो अपग्रेड पे चल रहा है तो हम लोग ऐसे भी उसको अटैक के टाइम पे यूज कर नहीं सकते। मैंने भाई प्रिंस को यहाँ पे झट से इसको मैं बाहर लेके आ चुका हूँ, तो आप लोग चाहो तो गाइस अपने बाकी हीरो को भी यहाँ पे बाहर लेके आ सकते हो। एंड सेम आप लोग अपने जो हीरोज है उनके साथ में भी आप लोग कर सकते हो, उनको भी आप लोग एक टाइम पे अपग्रेड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे क्वीन को भी अपग्रेड डाल देता हूँ, सिंपल से क्वीन को मैंने अपग्रेड डाल दिया। चाहूँ तो मैं अपने भाई मिनियन प्रिंस इसको भी मैं अपग्रेड डाल सकता हूँ। आप लोग गाइस अपने 5 हीरो को एक साथ अपग्रेड डाल सकते हो, लेकिन आप लोग के 5 बिल्डर यहाँ पे फ्री भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जैसा लेब के अंदर पेट हाउस के अंदर सीन होता ना कि वहाँ पे बिल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो भाई यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट होने वाली। यहाँ पे मैंने सिंपल से अपने रॉयल चैंपियन को भी अपग्रेड में डाल दिया, एंड बाकी का भाई अपना वार्डन किधर गया, इसको कौन छोड़ेगा भाई, इसको भी हम लोग सिंपल से अपग्रेड में डालने वाले। क्लिक करते हीरो होल के अंदर सिंपल सा, एंड यहाँ पे अपना वार्डन को भी हमने यहाँ पे भाई सिंपल से क्लिक करते इसके ऊपर 1 2 3 बॉम्ब। ऑलराइट भाई ये कुछ फीचर थे जो कि आप लोग को हीरो होल के अंदर देखने को मिलेंगे। भाई जो ये हीरो होल है
ये अपना सेंट्रल हब आप लोग इसको बोल सकते हो, जो कि आप लोग के हीरोज को यहाँ पर मैनेज करने वाला भाई काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा भाई। दवे आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना मुझे। टाउन हॉल 7 पे हो भाई तो फटाफट जाके अपने हीरो हॉल को अनलॉक करो, बिकॉज भाई टाउन हॉल 7 पे अपने को किंग देखने के लिए मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है भाई अपना यहाँ पे हीरो हॉल भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बात करें अपने मिनियन प्रिंस की कि ये कौन से टाउन हॉल पर अनलॉक होगा, तो भाई मिनियन प्रिंस को आप लोग टाउन हॉल लेवल 9 पर अनलॉक कर सकते हो। मैं जानता हूँ भाई आप लोगों में से कुछ लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि भाई टाउन हॉल 9 पे तो क्वीन अनलॉक होती ना, अब आप लोग क्वीन को टाउन हॉल 8 पे अनलॉक कर सकते हो। यस गाइस, टाउन हॉल 7 पे किंग, टाउन हॉल 8 पे क्वीन, टाउन हॉल 9 पे आप लोग मिनियन प्रिंस को अनलॉक कर सकते हो। तो कैसा सिस्टम लगा भाई बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अभी और भी चीज़ें कुछ चेंजेस होने वाले जो कि मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। एंड सिंपल से भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे अपने हीरो से, यहाँ पे अपडेट पे चल रहे हैं। गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई मैं कुछ चीज़ तो भूल रहा हूँ। यस भाई अब मुझे याद आया कि मैं मिनियन प्रिंस को भूल चुका हूँ भाई, इसे भी हमें अपग्रेड करना है ना। ऑल राइट 1 2 3 बॉम ये लो भाई। सो अपने पाँचों के पाँचों हीरो यहाँ पे अपग्रेड पे जा चुके, अपने पास पाँच बिल्डर थे तो भाई पाँचों बिल्डर हमने इन्हीं के ऊपर यहाँ पे यूज़ कर चुके हम लोग, जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये न्यू बिल्डिंग है भाई जहाँ से आप लोग अपने हीरो को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। एंड भाई सभी हीरो लगभग यहाँ पे सो चुके हैं। अड्डे के अंदर भाई क्या लेके जाऊंगा, सिर्फ अपने ड्रॉप्स स्पेल इनको मैं यूज करने वाला हूँ। गाइस ये फिफ्थ हीरो का आप लोग को कैसा लगा भाई फीचर जरूर से बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। जो हम लोगों ने भाई जो कॉन्सेप्ट सोच रखा था कि पेट हाउस के अंदर हम लोग 4 पेट को यूज कर सकते हैं, बाकी हम लोग अपग्रेड पर डाल लें या फिर उनको ऐसे ही छोड़ दे भाई हमारी मर्जी, सेम टू सेम भाई यहाँ पे लाइव हो चुका है। यानी कि भाई अब हम लोग सिर्फ 4 हीरो को यहाँ पे यूज कर सकते हैं अटैक के टाइम पे, एक हीरो को हम लोग भाई अपग्रेड कर सकते हैं उस टाइम पे। काफी अच्छा भाई मुझे फीचर लगा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट करके। भाई हीरो हॉल को एक्सप्लेन करते करते मेरा माइंड भाई चकरा चुका है। अब टाइम आ चुका है अपने न्यू हीरो मिनियन प्रिंस के साथ में यहाँ पे अटैक करने का। अपना ये फ्लाइंग हीरो होने वाला, यानी कि भाई वोडन का जुड़वा भाई आप लोग इसको बोल सकते हो। एंड इसकी एबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो भाई, ये कुछ फेंकता है कुछ क्या है भाई, छोटी बॉल है क्या ये भाई, ये चेकआउट कर सकते हो भाई। कुछ मैजिक टाइप का आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, पर्पल टाइप का, जो कि टाउन हॉल 17 के थीम से यहाँ पे मैच खाता है। ये कुछ भाई फेंकता है, जैसा कि अपना वोडन भाई अपने यहाँ पे एबिलिटी मारता है वैसे भाई ये यहाँ पर अटैक करने वाला है। एंड इसकी एबिलिटी जैसे क्या भाई वो भी हम लोग सिंपल से यहाँ पे देखते हैं। ओके भाई साहब ये खतरनाक भाई, ये कौन सी एबिलिटी थी? तो कॉमन एबिलिटी जो कि मैं आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका क्लिप भी आप लोग वीडियो को पीछे करके चेकआउट कर सकते हो। तो ये भाई टाउन हॉल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा क्या? ओ भाई साहब मर चुका है, लेकिन फिर से हम लोग इसको जिंदा कर सकते हैं। ऑलराइट भाई अब टाइम आ चुका है मिनियन प्रिंस से मिनियन प्रिंस को भिड़ाने का भाई, दोनों में से देखते कौन जीतता है। अरे वाह गुड आइडिया, फाइनली अपने मिनियन प्रिंस ने सामने वाले ओपोनेंट मिनियन प्रिंस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि भाई हर बार होता है आप लोग को भी पता होगा। एंड इसके ऊपर हम लोग चाहे तो भाई अपने रिवाइव स्पेल को भी यूज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसा कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई अपना मिनियन प्रिंस यहाँ पे मर चुका है। तो सिंपल से हम लोग इसके ऊपर अपना यहाँ पर रिवाइव स्पेल को ड्रॉप करके इसको अगेन हम लोग यहाँ पर रिवाइव कर सकते हैं, यानी कि इसको पुनः जीवित कर सकते हैं। तो भाई ये कुछ फीचर होने वाले अपने न्यू हीरो के, उसके साथ में अपने हीरो होल के स्विचिंग फीचर भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोग को स्निपिक 3 के अंदर क्या चीज़ से बेस्ट देखने को मिला। तो बस दोस्तों बाकी यही था हमारा आज का वीडियो, टाउन हॉल 17 अपडेट बहुत जल्दी आने वाला गेम के लिए, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहना। ऐसे क्लेस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी ना भूले। मिलता हूं आप लोगों से जल्द अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड।